क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर टू जो है इसमें होल नंबर्स हैं होल नंबर्स आर दो नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी या हम एंडलेस भी लिख सकते हैं एंड एंडलेसली भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे जो होल नंबर्स वो जीरो से स्टार्ट होते हैं वन टू थ्री सो वन तो यहाँ तक ये एंडलेस हैं यानी जिनको हम इनफिनिट भी कहते हैं तो सबसे जो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ जीरो एंड द लार्जेस्ट होल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट यानी हम छोटे से छोटा होल नंबर जो है वो जीरो है और बड़े से बड़ा जो होल नंबर है हम उसके बारे में नहीं कह सकते हैं क्योंकि होल नंबर हासिल होता है एक वन ऐड करने से दूसरा होल नंबर हासिल होता है जैसे वन ऐड करने से दूसरा नेचुरल नंबर हासिल होता है इसी तरह जब हम ज़ीरो को ऐड करेंगे वन तो वन बनेगा वन को ऐड करेंगे वन तो टू बनेगा टू को ऐड करेंगे थ्री तो टू uh, को ऐड करेंगे वन तो थ्री बनेंगे इसी तरह थ्री को ऐड करेंगे वन तो फोर सिमिलरली हम uh, इसके एंड तक नहीं पहुंच सकते हैं यानी हम लास्ट जो आखिरी जो होल नंबर है वो नहीं बता सकते हैं और छोटा तो हम बता सकते हैं वो ज़ीरो है तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स क्वेश्चन है इस तरह है राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स ऑप्शन वन जीरो नाइन 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 टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन तो नेक्स्ट थ्री लिखने हैं इसके क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स है वो सारे के सारे होल नंबर्स भी हैं और होल नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स नहीं हैं क्योंकि इसमें ज़ीरो का फ़र्क पड़ता है ज़ीरो होल नंबर है ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है तो यहाँ नेचुरल नंबर लिखे हैं उसने ये तमाम के तमाम जो है ये होल नंबर्स भी हैं तो जब हमने नेक्स्ट लिखना है तो ऐड करना है वन ज़ीरो नाइन 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 अगर हम प्लस वन करेंगे इसको तो जो दूसरा नेचर नंबर हासिल होगा वो क्या होगा टेन ज़ीरो नाइन वन हो गया टेन नाइन जो कैरी आया तो वो भी हो गया टेन यहाँ भी ज़ीरो आएगा तो यहाँ क्या बनेगा वन और वन अब यानी एक तो ये है अब इसको ऐड वन करेंगे तो ये बनेगा वन वन ज़ीरो जीरो वन अब इसको वन वन ज़ीरो जीरो, जीरो वन को वन ऐड करेंगे तो ये बनेगा वन वन ज़ीरो ज़ीरो टू तो टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन के बाद जो तीन नेचुरल नंबर्स हैं वो है अलेवन थाउजेंड अलेवन थाउजेंड वन अलेवन थाउजेंड टू सिमिलरली अगर हमें उससे ज़्यादा भी निकालने होंगे तो हम निकाल सकते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है राइट थ्री होल्ड नंबर ऑक्रिंग जस्ट बिफोर राइट थ्री होल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर टेन थाउजेंड वन टेन थाउजेंड वन से पहले हमें तीन होल नंबर्स लिखने हैं जब हमें पहले लिखने होते हैं तो हम माइनस करते हैं वन जीरो जीरो ज़ीरो वन माइनस वन अगर करेंगे इसको तो ज़ीरो वन वैसे वन काटेंगे तो यहाँ ज़ीरो आएगा यहाँ ज़ीरो बनेगा यहाँ ज़ीरो यहाँ ज़ीरो और यहाँ वन अब इसको यानी टेन थाउजेंड को माइनस वन करेंगे तो यहाँ इसको इस वन को यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो यहाँ टेन में से वन काटेंगे तो नाइन आएगा यहाँ भी नाइन रहेगा यहाँ भी नाइन रहेगा यानी जीरो की जगह नाइन